नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड स्थित सैदनपुर प्राथमिक विद्यालय में बरामदा में एक आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है। यहाँ अपना भवन नहीं रहने के कारण यहाँ के सारे बच्चों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब 1 जून 2007 से केंद्र जब खोली है उसी समय से मैं इस विद्यालय के बरामदे में ही पढ़ा रही हूँ। बच्चों को दिक्कत है कि गर्मी के दिन में जो लू चलता है उसको से परेशानी थोड़ा होता है, और जब बारिश होने लगता है तो बरसात से हाथ आँस भी मारता है। ऐसा प्रॉब्लम है, खाना बनाने में दिक्कत होता है, भवन नहीं रहने से बरसात में खाना बनाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि घर से भी लाना पड़ता है। दिक्कत है कि रूम नहीं है, चापाकल नहीं है, किचन रूम नहीं है, बैठने का स्थान नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। चापाकल दो है लेकिन दोनों खराब है, इसलिए पानी हमको दूरी से लाना पड़ता है। बच्चों को भी ला करके यहाँ खिलाना पड़ता है, और एक है जो स्कूल के ब्रामदान अथी बाउंड्री में ही कुआँ है, उससे भी परेशानी होती है, बच्चों को निगरानी अधिक करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सैदनपुर आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन हो, जिसपे CDPO का मोबाइल नंबर 9431005088 पर कॉल कर आप मेरी मदद करें और इन पर दबाव बनाएं। मैं मोहम्मद मिश्र आलम नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के सैदनपुर गांव से इंडियन हट के लिए।